on account of my life mein rahmataraz hai in my mind education was the best ornament a woman could have. इनके शहजादी का दौरे हुकूमत 26 साल का मुहीत है जो सिल्वर पीरियड कहलाता है। सरकार आलिया ने अपने ख्याल वक्तन फवक्तन मुतादिद रिसालों की सूरत में उमरा उलमा ब्रिटिश हुकाम और माहिर तालीम की तवज्जो और गौर के लिए शाये किए जिन पर तमाम हिंदुस्तानी और एंग्लो इंडियन प्रेस ने अरसे दराज तक पैसे की। उनके मुताबे से सरकार आलिया की सहनी दिमाग काबिलियत कुव्वत फैसला तालीमी शगफ और एहसान अजीम का अंदाजा किया जा सकता है। इस उलूल अज़्म खातून ने अपनी कुव्वत इरादी तामीरी सोच शहर फहमी इल्म दोस्ती की बदौलत रियासत भोपाल को तारीख के औराक में जिंदा जावेद कर दिया। आपका हर फैसला मुनसिफाना होता, वो खुदा को हाजिर नजर रखती थी और कहती थी मैं हमेशा इन सर्वों के अमल की कोशिश करती हूँ और हर वक्त सबसे बड़े अहकमुल हाकिमीन से दुआ करती हूँ वो मुझे अपने हुक्म इन अल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व ईताए ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाए वल मुनकर की तामील में कामयाब बनाए। दुनिया में यही एक ऐसा फर्ज है जिसकी वजह आबरी में कोई कुव्वत और ताकत हायल नहीं हो सकती और कोई असर हाकिम के जमीर को मगलूब नहीं कर सकता क्योंकि उसका नस्बुल ऐन और मकसद सिर्फ इंसाफ होता है। इंसाफ खुदा और बंदे के दरमियान एक मुआहदा है जिसको वसूल इनाम में इस तरह याद दिलाता है और नसीहत करता है फैजा कुंतुम फअदलू ولو كان ذا قربى فبعهد الله اوفوا ذلكم السبب به لعلكم تذكرون। इस नसीहत पर अमल करने वाले को अपने दोस्तों के जमरे में दाखिल करता है जैसा कि सूरह मायदा में इरशाद फरमाया है इन हकमता फहकुम बैनहुम बिलक़िस्त इन अल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन। सूरह निसा में हुक्म सादिर करने वालों को तहदीदी हुक्म है बैजा कुंतुम बैन الناس انتحكموا بالعدل। इसी आयत को मैंने इस कोर्ट को निशान अदालत पर रख दिया ताकि हर वक्त आप सब अफसरान के दिलों में इस हुक्म खुदाए जलाल की तामील का ख्याल रहे। इस अहकम हाकिमीन के खौफ को पेश नजर रख कर फैसला किया जाए। अल्लाह पाक अपने किसी बंदे से कोई खास काम खिदमत लेना चाहता है तो उसको एक खास वजाहत के साथ पैदा करवाता है। सर सैयद भी बहुत अजमत जलाल बाड़ो और नज्म का पैकर थे। उलूम मर्तबा का इजहार जिससे आपकी शख्सियत से होता था बहुत मुस्तैद मुतहरिक और फ़ाल है। जिस काम को हाथ में लेते उसे पूरा करने की जीजान से कोशिश करते। शेर मुलाहिजा फरमाइए इरादे जिनके पुख्ता हों यकीन जिनका खुदा पर हो तरा तुम खैज गोदों से घबराया नहीं। सर सैयद अहमद का 1817 में दिल्ली में पैदा हुए 22 साल की उम्र में बारिश का साया सर से उड़ गया। अहले खाने के लिए मुलाजमत अख्तियार की इस दरमियान एक स्कूल भी खोला और उनकी जुबों हाली खास तौर पर लड़कियों की तालीम पर काफी अफसोस करते। जब दिल में उनकी खिदमत का जज्बा उभरा तो 1904 में एक स्कूल का क्याम अमल में आया और बेगम साहिबा ने 100 रुपये माहवार मुकर्रर कर दिए। शेख अब्दुल्ला ने उनकी इस पहली इमदाद को मदरसे की असल बुनियाद करार दिया। बेगम भोपाल ने अलीगढ़ के इस स्कूल को बाद में 2000 सालाना ग्रांट दी। बेगम की जुदो सखा पर मुदनफी का एक शहर का तर्जुमा पेश है मैंने मांगा तूने दिया और ना मांगा तब भी दिया। इस तरह 1859 में इल्म अमल के शहजादी सरसद आला अहमद खान ने गुलशन स्कूल मुरादाबाद में 1863 ईस्वी में विक्टोरिया स्कूल गाजीपुर में